गुरुवार रात 10 बजे के बाद अचानक दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से केजरीवाल ईडी दफ्तर ले जाए गए। कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई उसमें केजरीवाल का हाव भाव सामान्य था, चेहरे पर कोई घबराहट नजर नहीं आई। करीब 15 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ईडी का काफिला दफ्तर पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले केजरीवाल का मेडिकल कराया गया। इसके करीब 40 मिनट बाद उन्हें ईडी दफ्तर में बने सेल में बिठाया गया। कस्टडी में लेने की औपचारिकता पूरी की गई। केजरीवाल से कुछ सवाल भी पूछे गए। सूत्रों के मुताबिक रात करीब 11:30 बजे उनसे पूछा गया कि क्या वो सोना चाहते हैं। इसके बाद उनके घर से कंबल और दवाई मंगाई गई। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल रात को ठीक से सो नहीं पाए। अब आज केजरीवाल को PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी पूछताछ के लिए कोर्ट से केजरीवाल की रिमांड मांग सकती है। केजरीवाल को पिछले साल नवंबर से ही ईडी कई बार समन भेज चुकी है, जिसमें केजरीवाल पर आरोप है कि जब एक्साइज पॉलिसी 2021-2022 तैयार की जा रही थी तब कई आरोपी सीएम केजरीवाल के संपर्क में थे। ईडी इस मामले में केजरीवाल को 9 समन पहले ही दे चुकी है। केजरीवाल इन समन्स को गैर कानूनी बता रहे थे। आखिरकार कल रात ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।